इमरान खान ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। स्टेट बैंक IMF के हवाले करके मुल्की बका को दाव पर लगाया गया। अब मईशत को बेहतर बनाना चैलेंज बन गया है। मौलाना फजल रहमान का लाड़काना में शहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहते हैं हर सूबे के लोग अपने वसाइल के मालिक हैं, कोई किसी दूसरे के हक पर डाका नहीं डाल सकता। साकिब निसार को हिसाब और जवाब देना पड़ेगा। लीक होने वाली ऑडियो का एक एक लफ्ज हकायक से मुताबकत रखता है। इन अनमिट सबूतों से कोई इनकार नहीं कर सकता, ना ही दुनिया की कोई अदालत छुटला सकती है। मरियम नवाज का ट्वीट एक वीडियो में शेयर किया, जिसमें एक शख्स से कोई सहाफी जज से मुलाकात का सवाल पूछ रहा था। जाली ऑडियो वीडियो बनाना नवाज लीग का वतीरा बन चुका है। अदलिया के खिलाफ साजिशें बेनकाब हो गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का मकसद अदलिया को दबाव मिलाना है कि किसी तरह नवाज शरीफ की सजाएं माफ हो जाएं। फवाद चौधरी की तनकीद, बोले जायदादों का जवाब देने के बजाय आएं बाएं शाई कर रहे हैं। 1 दिसंबर से कयामत खेज महंगाई आने वाली है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का दावा, मुहिब वतन कुव्वतों को मुआशी और अवामी तबाही पर सोच विचार का मशवरा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं PDM किसी पेज को नहीं आइन के पेज को जानती है। जब तक तमाम इदारे आइनी हदूद में नहीं रहेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। नस्ला चावल गिराने से पहले मुआवजा मिलना चाहिए, सियासी जमातों और आबाद का मुतालबा। सईद गनी ने कहा फ्लैट खरीदने वालों का क्या कसूर है। जज की सरबराही में कमीशन बनाने का भी मशवरा। MKM ने नस्ला चावल की मिसवारी ज्यादती करार दे दी। बाबा फारूक सतार कहते हैं कि टावर गिराने का फैसला इंसानी अलमिया पैदा कर रहा है। मोहसिन शेखानी ने सवाल किया कि मंजूरी देने वालों से कोई क्यों नहीं पूछता। क्या दुनिया फिर लॉकडाउन होने जा रही है। कोरोना के नए अफ्रीकी वेरिएंट ने खतरे की घंटी बजा दी। यूरोप और अरब ममालिक के कई ममालिक ने अफ्रीकी ममालिक की परवाजों पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान ने भी 6 अफ्रीकी ममालिक से परवाजें बंद कर दी। क्या मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ मुअसर है। जर्मनी और अमेरिका में हंगामी बुनियादों पर तहरीक शुरू। ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा खतरनाक, कई ममालिक में केसेस रिपोर्ट। दुनिया भर में हंगामी इकदाम शुरू। न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज। नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, कब्रिस में भी अफ्रीकी शहरियों के लिए वैक्सीनेशन और करंतना लाजमी करार। बेल्जियम समेत दीगर ममालिक में आवामी इजमात पर पाबंदी। जिम्बाब्वे में वेमेन क्रिकेट टूर्नामेंट रोक दिया गया। जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड के दरमियान वनडे सीरीज भी मंसूख। कराची से पिशावर तक मुख्तलिफ शहरों में गैस की बंदिश ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। कहीं प्रेशर में कमी का सामना तो कहीं गैस की बंदिश से आवाम बाहर से खाना खरीदने पर मजबूर। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की मुश्किल भी बढ़ गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।